सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शेरां वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विदायनी कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तदेव स्नेहेन कम्बासुभिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके सप्तमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुर्धवछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यादेवता श्री दुर्गा वेद्यधाम सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजयदासि देवी भगवती हिता बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षयन्तः स्वस्थे स्मृता मतिमते शुभां ददान्धि भारद्वयः निका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा ध्वजत्त सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तु ते। शरणागतदीनाथ परित्राणप्रदायने सर्वस्यादिहरे देवी नारायणी नमस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वर्षत्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषापहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपर्णयानाम् त्वामाश्रया क्षयदां वयान्ति सर्वावादा प्रशमनं वैभोग्यस्य एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनाम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि जनस्य कमलानने यस्योपधानमात्रेण दुर्गा पीतावेत्सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमाजनी आर्या दुर्गा जया जात्या त्रिनेत्रायशूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा जन्यघण्टा महातपा मणावद्यैरङ्गारा चित्तरूपाजिता जतिः सर्वमन्दमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः।
शंकरी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक भरणा च पाटला वाचनावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरे सुर सुंदरी भण दुर्गा च महातुंगे मदंग मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी जयंत्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जैव भाराहि लक्ष्मी च वर्षा गिरि विमलाष्टजनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बल प्रेमा सर्ववाहन वाहना विशुम्भशुम्भहरी महिषासुरमर्दिनी पशुकैलवहन्ती च चण्डमन्दविनाशिनी सर्वास्वविनाशा च सर्वधानवगादिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा हरेकशस्त्रहस्ता च हरेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी जैकन्या च केशोरेयवदीयतिः अप्रौढा जैव प्रौढा च विद्यमाता वरप्रदा महोदये मुक्तकेशी घोरधूपा महावरा हनीयोरारोध्वमुखे कालराते तपस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमायाय रोदरी शिवज्योतिकराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रि प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यो एवं प्रभुते नित्य दुर्गा नाम शताशकम् नाम्राज्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती घनं धान्यं कृतं जायं भयं हस्तिनमेव च चतुर्वक्षं दधा जाते नवे मुक्तिं च शासने कुमारीं भोजहृच्छादो जात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्यावर्त्या पटे नाम शताशकम् कश्चिद्धेवरे देवी सर्वे सर्वरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरजनालप्तकगङ्गमेन सिन्धुकर्पूरमदुत्तरेण श्रीलिख्ययन्दिना श्रीलिख्य भवेदाधारे पुरारिः भौमावाजायमग्रे चन्द्रे सद्विषां गदे विलिख्य प्रभुते सोचन् प्रभवे सम्प्रदां वदाम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मार्षिः अनौष्टवछन्दः चामुण्डा देवता अंशन्यासोक्तमातरभीजम् दिलवंशदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बापि च ते सप्तशतीपाठायत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यस्मयं ब्रह्मलोके सर्वलज्जाकरणिनां जन्नकस्य चुलागादं सर्वे बहे पितामहां ब्रह्म उवाच
महामने महात्मना भज्यामि शोक दुःख वयम् नहि जयस्तु भक्त्यास्मिदानो न तेषां वृद्धि पयायते गंगे महाबलाहरजे सर्वकाम प्रदायनी
दुर्गा क्षमा चला जाते स्वाहा सदा नमस्ते जय तम जय विद्यामंद जय भूतारिहारिणी जय सर्वगते देवी कानराते नमस्ते मधु कैलव विद्यावीरात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जगो देहि भाईजासुरनिर्णाते भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जगो देहि रक्षवीरवधे देवि चन्द्रमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि जगो देहि शुम्भजलशुम्भजधुनायतमधने रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि वन्दिताङ्गे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि अजन्तरूपदरिते सर्वसत्त्वविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्गाभये रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि सुवद्भ्यो भक्तिभवं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि चण्डिके सततं जयतामज्जयन्ति भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि विदेहि दिशतां विदेहि बलमोक्षगैः रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाधियम् रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि सुराहुरत्नानि कृष्णचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि प्रजन्नदैत्यधर्वर्णे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि चतुर्भुजे चतुर्भक्ता सन्तते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि कृष्णेना संस्तुते देवि सर्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि हिमाचल सुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि इन्द्राणि परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि देवि प्रचण्डदण्ड जत्यधर्म रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि देवि भक्तरोदामदत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जगो देहि दिशायहि पत्नीमनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणीं दुर्गसंसार सागरस्य गोत्वाम् इदं सोत्तं पठेतादो महासोत्तं पठे नः सात सप्तशती सङ्ख्या परमापदाति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुस्तुवशन्द श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थम् सप्तशतीपाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे
श्रेयापाचनिमित्ताय नमः सोमाचारिणे सर्ववेदद्विजानीया मन्दानामवगीरकम् सोऽभिचेवाप्नोति सततं व्याप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुजानदानीनि वस्तूनि सकलान्यपि हृदेन सुधां देवी स्वर्णमात्रेण सिद्ध्यति नामन्दानायजलं दत्त नागेन्द्रेण विविध्यते विनायापेण सिद्ध्येत सर्वमच्चारणादिकम् सर्वज्ञानविसिद्ध्यति लोकशङ्कामिमामनहाम् सिद्धानि मन्दिरामाद सर्वमेवाविदं शुभम् स्तोत्रं दै चण्डिकाय सुतज्ज गुप्तं जगार्षः समाजेन मन्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽभिचेमोऽवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः पृष्ठायां वाजदोदशामष्टभ्यां वा समाहितः धनादेवदि गृह्णाति नान्यतेजामसेदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीर्तितम् ज्वरिष्कीलं विलायेन नित्यं जपदे संस्वदाम् सिद्धः दागना सोऽपि गन्धर्वयायतेन महाजयाप्रस्य वयं कापि अजायते कामवितोषं जाने मिलो मोक्षामवाप्नुयात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वीत नागरभान विनश्यति सौभाग्यादेव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्य देवदेः सौभाग्यादिजगत्यञ्जयिष्यते सर्वान् दत्त सादेन देहाभ्याभिलं शुभम् चरे सूर्यप्रमाणयस्मिन् स्तोते सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्राविततः प्रारभ्यमेव दत् ऐश्वर्यं यत्तु सादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः श्रूयते सानकैं जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र Bye.
कमलाधिरे कमलाधिरे आदकधाम नभवे
भक्त जन अभी अंतिम अंत में कृष्ण नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओम का रख गणनाथ करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं
मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओम का रख्य कनाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस ओंकार अक्षर में अकार उकार उमकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। देव्या जजा तदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका मखिल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नता सुहृदाद शुभानी सहना। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षि पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें। जस्या पाप मतलु भगवान अनंतो ब्रह्मा हरचनाई वक्त बलम बलन च सा चंडिका कल जगत परिपालनाय नाशाय चा शुभ स्मृतिम करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है, वे भक्ति चंडिका समूह जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुक्री नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम के सयाम हृदय बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन भवस्त लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपाले देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के जहाँ दृढ़ता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आभक्ति दुर्गा को हम भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाली विच्चे इस निवारण मंत्र के महात्म को पढ़ करते हुए व्यास देव जी श्रीमद देवी भागवत में कथा के रूप में बता रहे हैं कि सूरज वंश में अरुण नाम के एक राजा थे, जिनके जहाँ सत्यव्रत नाम का पुत्र हुए, परंतु सत्यव्रत बड़ा स्वेच्छाचारी तथा कामी था और इस प्रकार युवावस्था में उसने विवाह मंडप से किसी विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया, जिससे पिता बड़े दुखी हुए और उन्हें कहा कि तेरा ये सत्यव्रत जो नाम है ये निरर्थक हो गया, तूने चांडालों जैसा काम किया है, इसलिए चांडालों की नगरी में चला जा। ताओ सत्यव्रत पिता की आज्ञा को मान करके चांडालों के साथ धनुष बाण लेकर के रहने लगा। उधर पिताजी पुत्र के कल्याण की कामना के लिए वन में तपस्या के लिए चले गए और इस पाप के कारण इंद्र ने
बारह वर्ष तक राज्य में वर्षा नहीं बरसाई। तब विश्वामित्र जी सुभिक्षा के लिए कि हमारे राज्य में वर्षा हो, तपस्या के लिए वन में चले गए और उधर दुर्भिक्ष में विश्वामित्र जी पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ थी। ये मन में विचार करती थी कि ये जानते हुए कि इस समय अकाल है, मेरे पति विश्वामित्र जी वन में चले गए, अब मैं बच्चों का पालन पोषण, उनको भोजन किस प्रकार दूँ। इस तरह भूख से व्याकुल बच्चों को देख करके उन देवी ने एक दिन अपने मंझले पुत्र जो और उस मंझले पुत्र के गले में रस्सी बांधी और उसको बेचने के लिए बाजार में चल पड़ी कि इससे धन प्राप्त होगा, मैं बाकी दो पुत्रों का भरण पोषण करूंगी। जब वो बच्चे के गले में रस्सी बांध करके जा रही थी तो सत्यव्रत जो वन में रहता था चांडोलों के साथ वन में जाते हुए उन देवी को उसने देखा और कहा कि देवी आप कौन हैं और इस बच्चे के गले में आपने रस्सी क्यों डाली हुई है। तो विश्वामित्र जी की धर्मपत्नी जी ने बताया कि इस घोर दुर्भिक्ष में अकाल में मैं अपने भूख से बिलखते हुए बच्चों को नहीं देख सकती, इसलिए मैंने अपने मंझले और उस पुत्र को बेचने का निर्णय किया है। सत्यव्रत ने कहा कि देवी मैं वन से जो भोज्य सामग्री होगी वो ला करके पास वाले आपके आश्रम के पास वाले वृक्ष के साथ बांध दिया करूंगा और आप खा लिया करना, इस बच्चे के गले से रस्सी खोल दो। विश्वामित्री धर्मपत्नी जी ने जो उस बच्चे के गले से रस्सी खोल दी और सत्यव्रत वन से जो भी भोज्य सामग्री मिलती थी वो वृक्ष के साथ बांध देता था और वो खा करके अपने जीवन यापन करते थे, प्रसन्न थे। उस बच्चे के गले में रस्सी डालने के कारण वो जो बच्चा गालिब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो महाबुद्धिमान थे। हुए एक दिन जब सत्यव्रत वन में अकेट कर रहा था, वो मन में विचार कर रहा था कि वशिष्ठ जी ये जानते हुए भी कि मैंने विप्रवाह का हरण विवाह से पहले ही कर लिया है तो वो हरण नहीं हुआ, क्योंकि विवाह से पहले ही वो उसका विवाह नहीं हुआ था और उन्हें रोका नहीं, वो किसी कारण रुष्ट थे उन पर। एक दिन वन में कोई भी मृग ना मिलने पर, शिकार ना मिलने पर सत्यव्रत ने विशिष्ट जी दुधारू गाय का वध कर दिया। इससे विशिष्ट जी कुपित हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि पिता के कोप के कारण, गाय के वध के कारण तेरे जो मस्तक पर तीन पाप के चिन्ह पड़ जाए। त्रिशंकु नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, तीन पाप के चिन्ह पड़ गए। तब वो मुनि कुमारों के साथ रहने लगा और उनसे नवारण मंत्र की दीक्षा लेकर के नवारण मंत्र का जाप करने लगा। विधि पूर्वक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इसका जाप करने लगा और फिर यथा संख्या में जाप के पश्चात उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे इस किए हुए जाप का दशांश होम कर दें। परंतु ब्राह्मण ने कहा कि आपका वेद पर अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि आप पिशाच तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। गुरु के श्राप के कारण, विप्रभाया के हरण के कारण, पिता के कोप के कारण जो आपको पाप लग गया है, इसलिए आप जो आपका वेदों पर अधिकार नहीं रहा है, हम आपके किए हुए इस जप का दशांश होम नहीं कर सकते। उस समय सत्यव्रत बड़ा दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, पिताजी ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है, गुरु ने श्राप दे दिया है। तब उसने दुखी हुए एक बड़ी भारी लकड़ियों की चिता तैयार की, स्नान किया, चिता को प्रज्वलित किया और दुर्गा माता का ध्यान करके वो उसने प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हो गया। माता ने देखा कि मेरा पुत्र जलने को तैयार है, तब वो आकाश में उसके सामने खड़ी हुई और कहा कि सत्यव्रत तू जलने का प्रयास क्यों कर रहा है, तेरे पिताजी परसों अपने मंत्री को भेजेंगे और वो तुझे घर में बुला करके तेरा अभिषेक करके जो वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे, तू आग में जलना छोड़ दे, ऐसा प्रयास करना छोड़ दे और ऐसा वरदान दे कि माता जी अंतर्धान हो गई है। और सत्यव्रत ने जो अग्नि में जलने का प्रयास छोड़ दिया। उधर नारद जी ने सारा वृत्तांत अयोध्या में जाकर के पिता अरुण को बता दिया। पिता मन में विचार कर लिए कि मेरा और उस ज्येष्ठ पुत्र जो सब प्रकार से राज्य के योग्य था, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, मैंने बड़ा निष्ठुर कार्य किया है। और मंत्री भेजे गए, उन्होंने देखा कि उसका जड़ाजूट भट गया था, मलिन वस्त्र हो गए थे,
उस समय पिताजी ने उसको वक्षस्थल से लगा लिया और उपदेश दिया कि तू सदैव पृथ्वी के देवता से ब्राह्मण है, उनका आदर सम्मान करना, क्योंकि जिस प्रकार जल से अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार जो ब्राह्मणों पृथ्वी के देवता से ब्राह्मण है उनसे क्षति उत्पन्न होते हैं, और इनका सर्वत्रगामी जो तेज है अपनी योनि में शांत होता है, इसलिए राजा को विशेष रूप से चाहिए कि पृथ्वी के देवता से ब्राह्मणों को गौ पृथ्वी एवं स्वर्ण का दान देकर के उनको प्रसन्न करे। सत्य का पालन करना, इस प्रकार पिताजी ने पुत्र का अभिषेक किया और वो वन में तपस्या करने चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि सत्यव्रत पिशाच तत्व को प्राप्त हो गया था, गुरु जी से श्रापित हो गया था, परंतु फिर भी इस निवारण मंत्र के प्रताप से भात से उसका पुनः राज्य अभिषेक हुआ। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी देवी गुफा विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती जा रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणावत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे कालिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ऐं सरस्वती का बाग बीज, इसके आगे भी ओम और पीछे भी ओम लगा करके ऐं को संपूर्ण करके अर्थात ओम ऐं ओम इसका निरंतर जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति हो सकती है। और आप जानते हैं कि बीरबल जी महाराज भी इसी मंत्र का जाप किया करते थे, जब वो अकर के दरबार के सामने पान की दुकान लगाते थे और इसका ओम ऐं ओम ओम ऐं ओम इसका निरंतर जाप करते हुए रहते थे। और इसी के बल पर आप जानते हैं कि उनको अकुर के दरबार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। हरिं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश वेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है, और क्लीं के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे, अचिया ज्योता भाये आता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जीदा होल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों के मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। सुनो अम्बे मैया ये
विनती हमारी तेरे दर पे आया है तेरा पुजारी। हाथ ऊपर डाकर बात करने हाथ दे रहे हैं और बीच भवर में फंस गई नैया, बीच भवर में फंस गई नैया, बीच भवर में फंस गई नैया, बीच भवर भक्तों की प्यारी शारदे हमारी तेरे दर पे आया है तेरा पुजारी। तुम्हारी
हमारी तेरे दर पे आया है तेरा पुजारी से कर रहे हैं श्री यशपाल जी। जय कर श्री भोल सच्चे दरबार की जय। दाती हो शेरावाली अम्बे हो माधवदंडी दाती हो शेरावाली अम्बे हो माधवदंडी तेरी करा मैं जय जय अम्बे हो माधवदंडी तेरी करम जय जयकार तेरी करम जय जयकार हो तेरी करम जय जयकार तेरी करम जय जयकार श्रद्धा दे नाल तेरी चरणी चढ़ा श्रद्धा दे नाल तेरी चरणी चढ़ा बना के नित जगावा जोता मैं तेरिया दाती नित जगावा रज रज के गुण तेरे फिर मैं गावा रज रज के गुण तेरे फिर मैं गावा हो
शेरावाली हमने हो माँ जगदम्बे तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार ओ तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार नरियल भेटा सुपारी दाती नरियल भेटा सुनिए सतरंज बिच लपेटा सुनिए सतरंज बिच लपेटा मैया करो मैया दुईता दादी हो शेरावाली अम्बे हो माँ जगदम्बे दादी हो शेरावाली अम्बे हो माँ जगदम्बे तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार हो तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार ते भालू तेरा आज कराया दाते ते भालू तेरा आज कराया दाते माही ते लाल चूड़ा चरने ते पायल दाते माही ते लाल चूड़ा चरने ते पायल दाते सिर ते मां मुकुट विशाल दाती हो शेरावाली अम्बे हो माँ जगदम्बे दाती हो शेरावाली अम्बे हो माँ जगदम्बे तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार ओ तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय दादी हो शेरावाली अम्बे हो माँ जगदम्बे दादी हो शेरावाली अम्बे हो माँ जगदम्बे तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार ओ तेरी करा मैं जय जयकार तेरी करा मैं जय जयकार ओ तेरी करा मैं जय एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जी जयकारा शेरोवाली जी का सच्चे दरबार की सच्ची लगन से तेरे उपासक मां तुझको रहे हैं पुकार इस आंगन में आ भी जाओ मैया हो के शेर सवार
सजाया, खूब सजाया, खूब सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेर वाली होके शेर पे सवार। नारायण हो नारायण हो
कुछ बोले का मददा खूब सजाया खूब सजाया खूब सजाया मैया मेरा दरवा भक्तों की दर पे लगी है कतार भक्तों की दर पे लगी है कतार पाने को मैया रानी तेरा दीदार पाने को मैया रानी तेरा दीदार ओ पाने को मैया रानी तेरा प्यार पाने को मैया रानी तेरा प्यार भक्तों ने तेरी मजोत जगाई है भक्तों ने तेरी मजोत जगाई है हाथों से पूजा की थाली सजाई है हाथों से पूजा की थाली सजाई है चरणों में तेरे भेंट चढ़ाए चरणों में तेरे भेंट चढ़ाए सुन लो हमारी पुकार खूब सजाया खूब सजाया मैया तेरा दरबार साथ में हो देविया साथ सारे देव हो साथ सारे देव साथ ऋषि मुनियों का हो मददार खूब सजाया खूब सजाया खूब सजाया मैया तेरा दरबार आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार साथ में हो लंगर वीर साथ बैरो नाथो साथ में हो लंगर वीर साथ बैरो नाथो साथ में शिव जी का हो मतदा खूब सजाया खूब सजाया खूब सजाया मैया तेरा दरबार आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार खूब सजाया मैया तेरा दरबार आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार खूब सजाया मैया तेरा दरबार आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार खूब सजाया मैया तेरा दरबार आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार आओ मां शेरों वाली आओ दरबार शेरों वाली आओ दरबार आओ माँ शेरों वाली मेरे घर आओ माँ शेरों वाली आओ दरबार आओ माँ शेरों वाली मेरे घर आओ माँ शेरों वाली आओ दरबार आओ माँ शेरों वाली मेरे घर आओ माँ शेरों वाली आओ दरबार आओ माँ शेरों वाली मेरे घर आओ माँ शेरों वाली मेरे घर सच्चे दरबार की जय हे मात मेरी 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 कैसी है गिरा पड़ा
Shut up,
ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ
मिलन करके असा उम्र बितानी वो सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे वो सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे वो सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे सच पीछे मर जाना ओ सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे इस जोत विच जोत निकले जो जोत मेरा नीना इस जोत विच जोत निकले जो जोत मेरा नीना तुहाडी बनी रवे कृपा असां तोड़ निभानी सुमिरन करके असा उम्र बितानी साडी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी महिषासुर चंड मुंड कुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीला चंडी समस्त सुर मुक्ति मने कुरूपा कचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिकवा विश्व संब 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिशिर ऋतु माघ मास के आज 14 प्रविष्ट हैं कृष्ण पक्ष आज सप्तमी तिथि है रविवार तदनुसार 27 जनवरी सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभो भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं चत्सवस्त्रं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपको आरोग्यता प्राप्त हो अब धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती है सभी बोलिएगा ओम जय अम्बे गौरी भैया जय जामा गौरी भैया जय मंगल करनी भैया जय आनंद करनी तुम को निशि दिन दया
ध्यावत हरि बंबारी बरी ओम जय बेदोरी भाग से दूर विराग को मैया जी को जल से दो प्रेम सहित गावे कहत शिवा
शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, तो इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती और सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, दल मिल बोलो जय माता दी, अहे वेला जय माता दी, दादा वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलाती जय माता दी, आप बुलाती जय माता दी, मेरा करती जय माता दी, जोड़िया बती जय माता दी, 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 लाल जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो रहि, यशो देहि दिशो रहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय तिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश। जय मां आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, मैया कर चो सतगरी, जो चरना दा जान। जय मां Thank you.
खड़गं चक्र गदेश ताप वरिदां शोरं वचनं चिरातंगं संदलिं करेति नयनं सर्वांग भूषाभिरां नीलाक्षमद्रिमास पाद दशकं देवे महाकालिकां जामस्तौ सविदे हरौ कमलजं हन्तुं मदुकेतवं अच्छा सर्पर्षं गदेश पुरुषं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिम्ब चर्म जलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पाददर्शने सुदरति हस्ते प्रसन्नायणा सेवे सेवमग्नी महिमः लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहरान् शङ्खं सुरे चक्रं धनुसायकम् अक्षा जेतवसिंहलां चविलश सीता सुदल्ला प्रभा गौरी देव समुद्रभान्ति सुगता आधारभूता महा पूर्वा भद्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादि दित्यायनी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च तुमेव तुमेव विद्या जननं तुमेव तुमेव सर्वं ममेव देव शान्ताकारं भुजगजायनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगदचैतन्यं मेघवर्णं सुमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विश्वमनोहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीवरं माधवं गोपिकावरहं गौरीनाथं शिवामचन्द्रं भजे हरे मुरारे भजे द्वारे गोविन्द गोपाल माधवं किशोरे ज्ञानं भजे हि शरणं भजे विद्या भजे हि भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता भाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला कन्न भाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी फुला चुका मां करने वाली माता तेरी शंकरा बीठा दो तेरी बोला सत्य दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष भारत वर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा शिरर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय Thank you.